हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ब्लॉक डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में बताया था। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किसी भी एक कंट्रोल सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन निकालनी हो तब। अब हमने दूसरा मेथड अपनाया, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स करते हो तो एल्जेब्रिक जो आपकी कैलकुलेशन है, आपने देखा होगा ट्रांसफर फंक्शन, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, रेसिप्रोकल, ये सब काफी टेडियस जॉब है। तो उसको घटाने के लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ एक इजी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस का जो कंट्रोल सिस्टम की है, या फिर किसी भी ब्लॉक डायग्राम का। हम इसे क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सके। तो यहां पर लिखा है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस या फिर ब्लॉक डायग्राम्स। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, नोड और ब्रांच। नोड क्या होता है? नोड बेसिकली एक पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो या तो एक वेरिएबल को डिफाइन करता है या फिर एक सिग्नल को। ब्रांच, ब्रांच एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो दो नोड्स को जोड़ती है। इसके अंदर गेन भी होता है और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ये मैंने आपको बोल दिया, अब आगे समझाने का टाइम। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। मैं उसे SFG भी बीच में बोल दूंगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं जो A, B, C, D, E एंड F है, ये नोड्स हैं। नोड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें से कुछ चीज जा रही है और बाहर निकल रही है, वो नोड होता है जनरली साइंस की लैंग्वेज में। यहां पे आप देख सकते हैं जो ये एरोज है, जो ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए एक वेक्टर है एक तरीके का, आप सोच सकते हैं घुमा मतलब एक्चुअली डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एक तरीके का वेक्टर मान लीजिए। तो ए से बी जा रहा है और उसका गेन क्या है? अल्फा। यानी जब ए से बी वैल्यू जाएगी तो इसकी वैल्यू में अल्फा डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गेन है ये। अल्फा भी गेन है, अल्फा डैश भी गेन है, बीटा डैश भी गेन है, बीटा भी गेन है। अलग अलग जो आपकी इक्वेशंस के अलग अलग वो होंगे कंडीशंस, उनके हिसाब से ये गेन। अब ये गेन इसी इक्वेशन पे दोबारा लगा है, इसलिए हम इसे घुमा के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस वेरिएबल से जिधर की तरफ जाना है उधर की तरफ एरो बनाते हैं और ऊपर उसका गेन लिख देते हैं। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन हो गई, मतलब एक बेसिकली आइडिया लग गया आपको कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होते क्या। अब हम इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आता है आपका बाय एल्जेब्रिक इक्वेशंस। मान लीजिए आपको कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखी है और आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को लिख लेते हैं अपनी कॉपी पर। आप फटाफट इन 6 की 6 इक्वेशंस को वीडियो पॉज करके लिख ले। मैं एक बार बोल देता हूं, y2 = a1 to y2 प्लस यहां पे है a1 to y1, ये 1 है, y2 = a1 to y1 प्लस a4 to y4, y3 = a2 3 y2 प्लस a5 3 y5, y4 = a3 4 y3 एंड y5 = a4 5 y4 प्लस a3 5 y3 एंड लास्ट इक्वेशन है y6 = a5 6 into y5। यहाँ पे जो ये y वाली टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, ये जो है इनके नीचे डबल सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए ये जो है ये सारे आपके नोड्स बनेंगे, यानी आपके सिग्नल बेसिकली ये आपके पॉइंट्स हैं। या तो ये जो है ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। तो आप गिन सकते हैं कितने हैं, टोटल 6 ही है। देयरफोर जो इनके वेरिएबल्स हो गए वो हो गए आपके y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। ये हो गए आपके 6 वेरिएबल इन इक्वेशंस को देखने के बाद। और इनके गेन्स क्या क्या है, a1 2 a4 2 a2 3 a5 3 a3 4 a4 5 a3 5 और a5 6। आप इनको लिख लिया इतना, अब चलते हैं फटाफट आगे कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 6 वेरिएबल्स थे, हम 6 डॉट्स बना लेते हैं। 6 डॉट्स आपने बना लिए, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, y2 = a1 3 y1 प्लस a4 2 y2। अब इसको हम करेंगे कैसे, आप देख सकते हैं y2 किसके बराबर है, y1 into a1 3, यानी एक कोई भी आपका वेरिएबल इंटू उसका गेन हो गया a1 3, यानी 1 से 3 की तरफ जा रहा है गेन। तो यहां पर आ गया आपका, ये हो गया आपका a12 सॉरी ये 2 है सॉरी तो ये आ गया आपका a12 into y1, यानी
ए वन से टू यानी जो गेन है वो वन से टू की तरफ जा रहा है, तो हमने एक बनाया है लाइन ए वन से टू, तो इसके ऊपर लिख दिया ए वन टू, इन सबको वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स लिख दिया, और बाहर निकाल दिया यहाँ पे आउटपुट जो भी होगा आपका, और यहां से जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने बीच का बनाया क्योंकि हमें इक्वेशन दे रखी है ना, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे ए वन टू और वाई वन से वाई टू की तरफ जा रहा है, और इसमें इसके साथ ये भी है, तो इन दोनों का एडिशन वाई टू के बराबर है, यानी वाई टू पे दो लाइंस मीट करेंगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, अगर दो लाइंस मीट कर रही है तो प्लस हो जाएगा, अगर इससे एक और निकल रही होती तो माइनस हो जाती। पॉइंट्स की तरफ जा रही है तो आप एडिशन करेंगे, पॉइंट से बाहर निकल रही है तो आप डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए फोर टू इंटू वाई टू, तो ए फोर टू यानी फोर से टू की तरफ जा रहा है, चौथे पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, और गेन क्या है उसका, ए फोर टू, तो यहाँ पे ए फोर टू लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अगला स्टेप है आपका दूसरी इक्वेशन का यूज करना, दूसरी इक्वेशन में वाई थ्री इक्वल्स टू ए टू थ्री वाई टू प्लस ए फाइव थ्री वाई फाइव, पहले की बनी हुई है, ध्यान से देखोगे तो लाइट पेंसिल से मैंने पहले के स्टेप को बना रखा है। अब दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं वाई थ्री, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वाई टू इंटू एक गेन आ रहा है और वाई फाइव यानी दूसरा वेरिएबल इंटू उसका गेन आ रहा है, यानी यहां पे दो जुड़ेंगे, एक तो टू से और एक फाइव से, और उसके ऊपर उनके गेन्स लिख दिए रिस्पेक्टिव, समझ आ गया। अब ऐसे ही हम अगली इक्वेशन के लिए करेंगे। अगली इक्वेशन है आपकी आपकी आ गई वाई फोर इक्वल्स टू ए थ्री फोर इंटू वाई थ्री, तो वाई थ्री आ गया आपका वेरिएबल और ए थ्री फोर आ गया आपका उसका गेन। पुरानी इक्वेशन, पुरानी को मैं थोड़ा लाइट में बना रखी है पेंसिल से, एक को हाईलाइट कर दिया जो आपको अभी बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ए थ्री फोर आ गया वाई थ्री से वाई फोर का। अब ऐसे ही हम जो नीचे वाला एस एफ जी है उसकी बना देते हैं, यहाँ पर आ गया आपका ड्रॉ एस एफ जी ऑफ वाई फाइव यानी अगली इक्वेशन, यहाँ पे आ गया वाई फोर और वाई थ्री इंटू इनके गेन, तो क्या करा आपने, फोर से फाइव, तो फोर से फाइव ए उसका गेन लिख दिया और वाई फोर से जा रही है इसलिए फोर से फाइव की तरफ कर दिया। अब यहां वाई थ्री है और थ्री से फाइव जा रहा है, वाई थ्री को लो और थ्री से फाइव की तरफ घुमा दो एरो, और उसके ऊपर ए थ्री फाइव लिख दो जो उसका गेन है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप फाइव जो है आपका ड्रॉ एस एफ जी ऑफ वाई सिक्स यानी आखिरी क्वेश्चन इक्वल्स टू ए फाइव सिक्स इंटू वाई फाइव, तो ए फाइव सिक्स यानी पांच से छह, पांच से छह की तरफ कर दिया और उसके ऊपर उसका गेन लिख दिया। अब ये पूरा एस एफ जी है, अगर मैं इसको आपको पेन से दोबारा बनाऊंगा सारे हाईलाइट करके सारे, तो कैसे दिखेगा, पूरा हाईलाइट करने के बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसके अंदर ये सारे जो नोड्स हैं ये आपके सारे वेरिएबल्स हैं, और जितने ये हैं एरोज जिनके ऊपर ये लिखे हुए हैं ये सारे रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के गेन है, ठीक है। ये नहीं है वाई टू, नहीं है ये भी, नहीं है वाई थ्री, ये सारे नोड्स है, ये नोड है वाई वन से लेकर वाई सिक्स तक, ये सारे नोड्स है, और जो ये वाले हैं ए वन टू ए टू थ्री ए थ्री फोर ए फोर फाइव ए फाइव सिक्स ए फाइव थ्री ए थ्री फाइव ए फोर टू, ये सारे हो गए उनके रिस्पेक्टिव गेन्स। अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम को कैसे हम सिग्नल फ्लो डायग्राम में, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे आसान मेथड है, आप सारे ब्लॉक डायग्राम को एक बारी में देखो और जितने उसके अंदर सिग्नल है, वेरिएबल है, समिंग पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है, सबको एज अ नोड ले लो। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, पहले सुन लीजिए पॉइंट्स, सारे वेरिएबल सिग्नल समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को नोड ले लिया जाए। सेकंड, सारे ट्रांसफर रिप्रेजेंट ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द ब्लॉक एज गेन, जो उसके अंदर लिखे होते हैं ना जी वन जी टू जी थ्री, उन सबको उन नोड से जो कनेक्ट कर रहे हैं दो नोड उनके बीच का गेन समझो। नीचे लिखा है रिप्रेजेंट ब्लॉक्स एज ब्रांचेस, जो ब्लॉक्स हैं आपके उनको ब्रांचेस की तरह रिप्रेजेंट करो, समझ आया, अभी पता चल जाएगा। लास्ट, कनेक्ट नोड्स एज पर ब्लॉक डायग्राम, जैसा ब्लॉक डायग्राम है बिल्कुल सेम टू सेम उसे कन्वर्ट कर दो सिंगल फ्लो ग्राफ में। और अगर कभी कभी ऐसा हो कि आपके दो ब्लॉक बीच में आ रहे हैं कहीं पे भी, मतलब बेसिकली या तो दो नोड हैं
आप दो नोड ले सकते हैं, दो नोड अगर बीच में आ रहा है उनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई गेन नहीं हो रहा, तो हम गेन को वन कंसीडर कर लेते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से ही समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक ऊपर एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर यहाँ से इनपुट हो रही है आर एस, यहाँ पे पहले एक समिंग पॉइंट आया, फिर आगे जाके एक और समिंग पॉइंट आया, फिर जाके जी वन ब्लॉक, फिर जी टू ब्लॉक, बीच में कुछ नहीं है, जी वन जी टू, फिर उसके बाद आ गया समिंग पॉइंट, फिर आ गया एक ब्लॉक, फिर आ गया यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट, फिर आ गया एक ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट आया जो फीडबैक दे रहा है इस वाले समिंग पॉइंट को, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट आया जो दे रहा है एक फॉरवर्ड लूप इस वाले समिंग पॉइंट को, यहाँ पर से एक फीडबैक आ रही है पीछे जिसका फीडबैक गेन है एच टू, इसका फॉरवर्ड गेन था जी फोर, इस वाले का बैकवर्ड जो फीडबैक गेन था एच थ्री था। ये जाके पूरा समझ में आ गया होगा आपको। हम क्या करेंगे, सारे जितने हमने सिग्नल वेरिएबल समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोड ले लेंगे। तो पहला नोड आएगा आपका ये वाला, तो उसको मैंने वाई वन लिख दिया, ये जो है ये होगा आपका वाई वन समिंग पॉइंट है। दूसरा नोड ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पे दो ब्लॉक आ रहे हैं, दो ब्लॉक क्योंकि हम देख सकते हैं बीच में कुछ नहीं है, तो जी वन से जी टू जाने में वैल्यू चेंज होगी, यहां चेंज नहीं होगी वैल्यू, यहां पे भी वाई टू ही रहेगी, यहां पे चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हम एक नोड कंसीडर कर देंगे वाई थ्री, ठीक है, यहां पे नोड हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पे वैसे भी एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो यहां पे आ गया आपका वाई फोर, यहां एक समिंग पॉइंट है इसलिए ही वाई फाइव। अब एक वाई सेवन का आएगा, वाई सेवन आएगा आपका अगले समिंग पॉइंट पे, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बीच में ये भी तो है, तो ये आ गया आपका वाई सिक्स और ये आ गया आपका वाई सेवन, वाई सिक्स आ गया आपका इस वाले टेक ऑफ पॉइंट पे, ये रह गया था। अब यहां पे सेम पॉइंट, यहां पे आ गया आपका दूसरा टेक ऑफ पॉइंट वाई एट और यहां पे आ गया आपका लास्ट टेक ऑफ पॉइंट वाई नाइन। देयरफोर यहां पे आपके नौ पूरे के पूरे नौ नोड्स बन चुके हैं, प्लस हम एक इनपुट का और एक आउटपुट का लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब उसको करेंगे कैसे, इनपुट से आया वाई वन में, वाई वन से वाई टू गया, इन दोनों के बीच में गेन वन ही रहेगा क्योंकि दो नोड्स के बीच में अगर ऐसा हो रहा है कोई ब्लॉक नहीं है तो हम उसमें गेन वन ले लेते हैं, ये मैंने आपको पहले रूल में बताया। अब देख सकते हैं यहां पे मैंने वाई टू लिया, अब यहां वाई थ्री लिया है, क्यों, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही ब्लॉक आ रहा है जी वन, तो वाई टू से वाई थ्री गेन लिख दिया ऊपर और हमने ब्लॉक को एज अ लाइन रिप्रेजेंट कर दिया। अब थ्री से फोर के बीच में जी टू ब्लॉक आ रहा है, जी टू उसका गेन है, थ्री से फोर गया जी टू उसका गेन हो गया, थ्री से फोर जी टू उसका गेन, आगे समझ। अब यहां पे एक टेक ऑफ पॉइंट है जिसमें एक बैकवर्ड फीडबैक आ रही है जिसका गेन एच वन है, तो हम क्या करते हैं वाई फोर से एक वापिस ले जाते हैं, ले गए कहां तक वाई टू तक, और उसका फीडबैक लिख दिया माइनस एच वन, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, अगर यहां पे माइनस साइन होता है तो जब हम उसका सिग्नल फ्लोग्राम बनाते हैं तो आगे यहां पे माइनस एड कर देते हैं, यहां पे माइनस को हम लिख देते हैं, लेकिन अगर यहां प्लस होता तो यहां सीधा एच वन ही रहता। आगे चलते हैं वाई फोर तक पहुंच गए थे, वाई फोर से जैसे ही हम चले तो यहां पे एक समिंग पॉइंट आ गया वाई फाइव। अब हम वाई फाइव में देखें, वाई फाइव में कुछ नहीं हो रहा है, पहले सीधा चलते हैं वापस पीछे आएंगे बाद में, हम सीधा चलते हैं, जैसे ही हम आगे चलते हैं यहां पे एक समिंग पॉइंट वो आ जाता है टेक ऑफ पॉइंट, वो है आपका वाई सिक्स। वाई सिक्स से आप देख सकते हैं एक तो जी थ्री में ब्लॉक जा रहा है, जी थ्री की तरफ जा रही है जो वाई सेवन पे जा रही है, तो हम यहाँ पे वाई सिक्स से वाई सेवन जोड़ देते हैं और उसके बीच में इस ब्लॉक का गेन यानी जी थ्री लिख देते हैं, और एक और जा रहा है इस वाले टेक ऑफ पॉइंट से जो है आपका जी फोर से होते हुए वाई सेवन की ओर, तो उसका गेन हो गया जी फोर, तो हम इसको यहां से घुमा के सेवन पे जोड़ देते हैं और इसका भी गेन यहाँ लिख देते हैं। आगे चलते हैं वाई सेवन तक तो आ गए, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहां पे आता है आपका एक टेक ऑफ पॉइंट। अब यहां से आप देख सकते हैं पीछे जा रहा है, टेक ऑफ पॉइंट से पीछे जा रही है वैल्यू आपकी वाई वन पे, तो हम इसको पीछे जोड़ लेते हैं, और यहां पे क्योंकि यहां पे प्लस था, यहां पे आप देख सकते हैं प्लस है, देयरफॉर यहां पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे वाई नाइन पे, वाई नाइन पे आप देख सकते हैं वाई नाइन की तरफ जैसे मैं जाऊंगा बीच में ब्लॉक आ रहा है जिसका गेन जी फाइव है, तो हमने उस ब्लॉक को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका गेन ऊपर लिख दिया। अब वाई नाइन पे जो टेक ऑफ पॉइंट है वो वापस जाके वाई फाइव पे जा रहा, तो यानी वाई नाइन से घुमा के मैं वाई फाइव पे ले आया, और क्योंकि यहां माइनस साइन है उस माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां माइनस एच थ्री लिख दिया, और फाइनली मैंने वो आउटपुट निकाल दिया। ये हो गई बात आपकी सिग्नल फ्लो ग्राफ की। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी,
हमें पता है कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर काफी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन करने के बाद कि किस तरीके से हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें। अभी भी हमें पता नहीं चला है कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, बस हमें पता चल गया कि हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएं। जब हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करके ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है, मेसन गेन फॉर्मूला या मेसन गेन आपका पूरा का पूरा मेथड, तो वो है असली मेथड। ये तो आपका एक बेसिक है, आपको पता होना चाहिए जब आप मेसन गेन को यूज कैसे करेंगे बिना एसएफजी के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे मेसन गेन डिस्कस करूंगा जिसके अंदर मैं आपको इसका एक्चुअल यूज बताऊंगा कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप इस पढ़ाई के मोहल्ले में नए हैं या फिर आपने गलती से भी मेरी वीडियो को टच कर दिया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, इतनी मेहनत करिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ, चैनल के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और यार बुक सब कुछ नहीं होती, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। बाय।